हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के ऊपर हम चर्चा करते हैं सो so, इन्फ्लेशन क्या है बेसिकली इन्फ्लेशन इज अ जनरल राइज इन द प्राइस लेवल जब कीमतें चीजों की इट कैन बी अ गुड और अ सर्विस उसकी जब प्राइसेज बढ़ रही द प्राइसेस आर राइजिंग अप प्राइस आर शूटिंग इट मीन्स इट इज इन्फ्लेशन यही एक इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है बेसिकली क्या होता है इन्फ्लेशन में जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो ज्यादा होने लगती है पीपल आर हैविंग मोर मनी और जो परचेसिंग पावर होती है वो क्या होती है डिक्रीज होने लगती है मनी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है दैट इज ऑल इन्फ्लेशन अब इन्फ्लेशन में क्या है देर आर यू कैन से सप्लाई देर सप्लाई एंड सेकंड वी कैन से डायनेमिक्स जो है दैट इज डिमांड दो डायनेमिक्स के ऊपर यहाँ पे चीजें रिवॉल्व करेंगी अगर सप्लाई कॉन्स्टेंट है एंड डिमांड बढ़ती चली जा रही है पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर फॉर यू कैन से गुड्स एंड सर्विसेज बट सप्लाई इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम दी फ्रॉम दी प्रोड्यूसर्स एंड तो वो क्या हो जाएगा दैट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन इट मीन्स सप्लाई तो कौन से बट डिमांड बढ़ रही है जब डिमांड बढ़ेगी तो व्हाट विल हैपन चीजों की कमी होने लग जाएगी मार्केट में और अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ने लगेंगे सो दैट इज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कौन रेगुलेट करता है विच इज अ बॉडी विच इज रेगुलेटिंग द डिमांड फुल इन्फ्लेशन द बॉडी इज आरबीआई आरबीआई है एंड थ्रू इट्स मॉनिटरी पॉलिसीज इट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द डिमांड फुल इन्फ्लेशन ओके एंड द नेक्स्ट टाइप वी कैन से इज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो कि इन्फ्लेशन का ही एक टाइप है यहाँ पे क्या होगा अब यहाँ पे कॉस्ट पुश कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के इट कैन बी लैंड लेबर कैपिटल ऑन एक्सेट्रा ठीक है तो इन फैक्टर्स की कीमतें बढ़ने लगती हैं जब ये फैक्टर्स के जो प्राइसेस है ये बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी भी प्राइसेस बढ़ेंगी तो दिस इज सेट टू बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इट मीन जितने भी यहाँ पे कॉस्ट होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वो राइज होगी तो अल्टीमेटली जो प्राइस जो आपकी प्राइसेज होंगी जो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी बढ़ने लगेगी तो दैट इज सेट टू बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सो कौन रेगुलेट करता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को द बॉडी इज गवर्नमेंट थ्रू इस फिजिकल पॉलिसीज ठीक है जो गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसीज होती है उनके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है इट ट्राइज टू कंट्रोल द कॉज पुश इन्फ्लेशन इन द मार्केट आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है तो इन्फ्लेशन के बारे में हमने बात करी कॉस पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा है सो डू लाइक डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब थैंक यू बाय बाय